वेलकम स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री पार्ट के पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स, जिसके पोएट है, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन समरी ऑफ द पोएम मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का कॉमन वीडियो आज कॉमन कंटेंट वाला वीडियो मैं आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले पोएम की स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बाकी क्वेश्चन आंसर्स और वो जो ट्रिक है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और कॉमन एक्सप्लेनेशन वाली वो समझाते हैं। आइए सबसे पहले रीडिंग लगा लेते हैं हम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की। अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपकी जो पोएम है, यानी एक सुंदर वस्तु या सौंदर्य से संपन्न एक वस्तु, इसके पोइट हैं आपके जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में अबाउट द पोइट हम पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1795 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक कवि थे। ऑल्दो ट्रेंड टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोएट्री। हालांकि ये एक सर्जन यानी शल्य चिकित्सा के रूप में इन्होंने ट्रेनिंग की थी, प्रशिक्षण लिया था, किंतु इन्होंने स्वयं को पूरी तरीके से पोएट्री काव्य को समर्पित कर दिया। कीट्स जो सीक्रेट है, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स लाइज प्राइमरीली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। यानी जो कीट्स हैं वो पाठकों को प्रभावित एवं प्रसन्न कर देने का कीट्स का रास्ता, उनकी दुनिया को अनुभव करने की प्रतिभा तथा अपनी मनोदशाओं तथा आकांक्षाओं को भाषा के रूप में जी लेने की क्षमता उनके अंदर थी। उनके अंदर द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडीमियन। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रस्तुत अंश, उनकी कविता एंडीमियन से लिया गया है, अ पोएटिक रोमांस से लिया गया है। ये ध्यान रखें, एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी, क्योंकि पोइट्स के और पोएम के बारे में, द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेपर्ड एंड पोइट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस। ये किस पर आधारित है? यह कविता एक यूनानी पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें एंडीमियन नामक एक सुंदर एवं युवा गडरिया और कवि जो लेटमोस नामक पहाड़ पर रहता था ने सिंथिया यानी चंद्रमा की देवी का स्वप्न देखा था। इन्होंने एंचेंटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट एंड सो वॉन्डर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट एंड डाउन अंडर द सी। और ये मंत्रमुग्ध एंचेंटेड यानी मंत्रमुग्ध युवक ने उसे तलाश करने का यहाँ पर प्रण लिया यानी कसम खा ली, और वह जंगलों में से भटकता हुआ समुद्र के नीचे चला गया। ये इस कहानी पर आधारित है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आइए आगे बढ़ते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस। यहाँ पर जो कवि हमें बताता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी यानी एक सुंदर वस्तु हमेशा, जो यानी आनंद देने वाली, फॉर एवर यानी सदा के लिए, ऑलवेज, एक सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायक होती है और इसकी लवलीनेस यानी सुंदरता बढ़ती जाती, पास इंटू नथिंगनेस यानी लुप्त हो जाना, कभी नेवर, कभी नहीं, पास इंटू नथिंग, कभी लुप्त नहीं होती है, बट विल कीप, लेकिन बनाए रखती है पावर क्वाइट फॉर अस, यानी हमारे ऊपर एक शांत लता मंडप, बावर क्वाइट यानी छायादार स्थल बना देती है। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये हमें क्या करती है कि मीठे सपनों से भरी, मधुर सपनों से भरी नींद तथा स्वस्थ तथा शांत सांस प्रदान करती है। Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to earth? यही कारण है कि हर मोरो यानी मॉर्निंग, हर सुबह हम जमीन से जुड़े रहने हेतु रीडिंग यानी
गुथते हैं, बनाते हैं फ्लावरी बैंड, फूलों की माला। बैंड यानी बंधन, डोरी। कवि का कहने का तात्पर्य है कि हम हर सुबह, प्रत्येक सुबह जमीन से, प्रकृति से जुड़े रहने हैं तो फूलों के बंधन गूंथते रहते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स। यहाँ पर कहता है कि संसार में जो डिस्पोंडेंस निराशा, इनह्यूमन यानी कि अमानवीय क्रूर, डर्थ यानी कमी हो गई है, यानी अच्छे लोगों की कमी हो गई है, और इसके अलावा जो नोबल नेचर से जो अच्छे स्वभाव के लोग हैं, लोगों का भला करने वाले, उनकी कमी हो गई है, और ये जो ग्लूमी डेज हैं, ग्लूमी यानी निराशा से भरे हुए डेज यानी दिन, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्क एंड वेज, और निराशा भरे दिन तथा हमारे भटकने के लिए बने सभी अस्वस्थ और अनहेल्दी, अस्वस्थ और ओवर डार्क एंड यानी अंधकारमय रास्ते के बावजूद जो हमें सर्चिंग यानी भटकने के लिए बनाए गए हैं, इनके बावजूद, यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। कोई सुंदर वस्तु हमारी आत्माओं से अंधेरे का लबादा दूर कर देती है। जो हमारी आत्माएं होती हैं, स्पिरिट्स यानी आत्माएं, पॉल यानी लबादा, अंधेरे का लबादा, उसको दूर कर देती है। मूव अवे यानी दूर कर देती है। सच द सन, अब ये सुंदर वस्तुएं बता रहा है, द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सेडी बून। यहाँ पर कवि बताता है कि सूर्य है, चंद्रमा और ये जो नए तथा पुराने वृक्ष, ये यहाँ पर क्वेश्चन है इस चीज़ का कि इस कविता में कौन कौन सी सुंदर वस्तुएं मेंशन की गई है, तो वहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है। स्प्राउटिंग अ सेडी बून, ये जो स्प्राउटिंग यानी कि नई कोपलें उगती हैं किसी भी पत्तों से, कलियों से जो नई कोपलें उगती है, सेडी यानी छायादार, बून यानी वरदान, जो पेड़ है छायादार, ये कहीं जीवों के लिए वरदान है, जो इनकी छाया में क्या करते हैं, वो सुकून पाते हैं। फोर सिंपल सीप, ये क्या है, वो साधारण भेड़े, सीधी साधी भेड़े इनकी छाया में सुकून पाती है और वो यहाँ पर आराम करती है। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और यही बात डेफोडिल्स के लिए हैं, वो इतने सुंदर हैं जो नरगिस के पीले फूल हैं, जो कि हरियाली की दुनिया में रहते हैं, और इनके अलावा क्लियर रिल्स, स्वच्छ सरिताएँ, डेट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मैक केस द हॉट सीजन। जो ये सरिताएँ होती हैं ठंडे पानी की, स्वच्छ पानी की, गर्मी की ऋतु से बचने के लिए ठंडे झुरमुट बना लेती हैं, यानी इनके आसपास हरे वृक्ष उगाते हैं, उन्हें ये पालती हैं अपने जल से, ताकि उन वृक्षों की छाया से इन सरिताओं का, इन नदियों का जल भी शीतल रहता है, ऐसा कवि बता रहा है। हॉट सीजन यानी गर्म ऋतु, अगेंस्ट यानी खिलाफ, कूलिंग कवर्ट यानी कि कूलिंग का मतलब ठंडा, और कवर्ट का मतलब है यहाँ पर झुरमुट बना लेती हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो जंगल के मध्य में उगने वाले झाड़ झंझाड़, वो भी सुंदर वस्तु होते हैं, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जिन पर सुगंधी वाले फूल यत्र तत्र बिखर कर खिलते रहते हैं। ये सब सुंदर चीज़ें हैं। मस्क रोज सुगंधित कस्तूरी गुलाब होता है, जो जंगल के इन झाड़ झंझाड़ में उगा होता है, स्प्रिंकलिंग यानी बिखरी रहती है, ब्रेक यानी झाड़ी, ये सब सुंदर वस्तुएं हैं। एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स, और यही बात ग्रेंजर है, महिमा, वैभव, डूम्स यानी प्रारब्ध, नियति, जो एंड सच टू इज द ग्रेंजर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड,
all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink powering unto us from the heaven's brink. यहाँ कवि हमें बताता है कि जो सुंदर वस्तुओं में मृतक शक्तिशाली वीरों की नियति जिसकी हमने कल्पना की है, वे सब सुंदर कथाएं जो हमने सुनी या पढ़ी है, ये सब अमृत का अनंत झरना है जो स्वर्ग के किनारे से हम तक बहकर आ रहा है। ग्रेंजर का मतलब वैभव महिमा डूब जानी प्रारब्ध नियति माइट यानी बलवान शक्तिशाली फाउंटेन यानी झरना। इमोर्टल का मतलब अमृत, पोवरिंग का मतलब होता है बह रहा है, ब्रिंक यानी किनारा, हेवन यानी स्वर्ग, वहाँ से बहकर आ रहा है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शक्तिशाली वीर हैं उनके जो महान कार्य हैं और ये जो गाथाएं हैं ये सब हमें प्रेरणा देती है। ये एक तरीके से अमृत के समान है जो स्वर्ग के किनारे से बहकर हम तक आ रहा है। ये सब सुंदर वस्तुएं हैं। आइए अब इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। अब देखते हैं समरी ऑफ द पोएम और कॉमन एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, जिन स्टूडेंट्स को हर स्टेंजा का अलग एक्सप्लेनेशन याद नहीं होती है उनके लिए कॉमन बनाया है। सबसे पहले रेफरेंस जो हर वीडियो में बताता हूँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय द पोइट, पोइट का नाम जॉन किट्स, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, ये शुरुआत की है लाइन से लेकर और यहाँ तक, ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट हो गया, रेफरेंस मैंने बता दिया, कॉन्टेक्स्ट ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप लिख सकते हैं इट गिव्स अस अ क्वाइट शेल्टर फुल ऑफ, या फिर कोई भी चीज़ हो उसकी शुरुआत करना प्रोनाउन से अच्छा नहीं होता है। जब आप अगर इसको काट कर एक्सप्लेनेशन में लिखें तो इस इट की जगह लिख देना अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि संज्ञा लिखना अच्छा होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस, उसे भी अच्छा लगेगा यार इसको पता है, ठीक है। और बाकी समरी में लिखो तो फिर यहाँ से लिख देना अकॉर्डिंग से, फिर ये कट लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो गया हमारे कॉमन रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब समरी ऑफ द पोएम और जो क्वेश्चन आंसर से, अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड्स एंडलेस जॉय, कवि के अनुसार एक सुंदर वस्तु अनंत आनंद प्रदान करती है यानी बहुत ज्यादा आनंद देती है जिसका कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड। इट्स ब्यूटी नेवर फेड्स, इसकी सुंदरता कभी फेड्स यानी समाप्ति नहीं होती है, Rather it keeps increasing with our observation, जितना हम उसको observation करते हैं, observe करते हैं, देखते हैं, उसकी सुंदरता उतनी बढ़ती जाती है, increase होती है। It gives us a quiet shelter, यह हमें सुकून वाली shelter यानी छाया प्रदान करती है। A sleepful hope, sweet dreams, मीठे सपनों से भरी नींद, health, स्वास्थ्य, एंड सॉफ्ट ब्रीदिंग और ताज़ा सांस, शांत सांस। द ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर अट्रैक्ट एंड फैसिनेट अस, जो सुंदर ऑब्जेक्ट्स हैं प्रकृति के वो हमें आकर्षित करते हैं और फैसिनेट यानी मोहित करते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दे रिमूव और मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग्स, वो हमारी मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें ब्यूटीफुल थिंग्स बताइए, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए कैसे एंडलेस जॉय होती है, या अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी पीड़ाओं को कैसे हर लेती है, कुल मिलाकर अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है। तो आपको इसका आंसर देना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो। अब अ थिंग ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है तो फिर ये आपको लिखना है, सूरज है, चंद्रमा है, डेफोडिल फ्लावर्स हैं, नरगिस के पीले फूल हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स हैं, छोटी सरिताएं हैं, मस्क रोजेज हैं, जो केसरी गुलाब हैं, सुगंधित वाले, आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन किए तो उसका आंसर है। द थिंग्स डेट कॉज सफरिंग से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पीड़ा देती है, कष्ट और पेन, दुख देती हैं, आर डिसअपॉइंटेड, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, लैक ऑफ नोबिलिटी, अच्छे लोगों की कमी, अनहेल्दी एंड एविल वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव के द्वारा चुने गए अस्वस्थ और बुरे रास्ते, ये सब क्या है,
हमारी पीड़ाओं और कष्टों का कारण है। अकॉर्डिंग टू द पोइट द ग्रेट डीड्स ऑफ द हीरोज एंड देयर टेल्स आल्सो इंस्पायर अस। कवि के अनुसार जो महान लोग हैं उनके साथ ग्रेंजर यानी वेबो कैसे जुड़ा हुआ है, ये भी आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक कवि बता रहा है कि ये जो कहानियाँ हैं और उनके जो महान कार्य हैं ये हमें इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। दे आर लाइक नेवर एंडिंग फाउंटेन ऑफ नेक्टर डेट पोर्स इन टू आवर सोल्स फ्रॉम द कप ऑफ हेवन। वो तो नेक्टर यानी अमृत के समान पोर्स यानी गिरता है, उड़ेलता है हमारी आत्माओं के ऊपर, कहाँ से, स्वर्ग के मुहाने से हमारे ऊपर आता है फाउंटेन यानी झरना है। तो ये समरी ऑफ द पोएम, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप, अगर लॉन्ग आंसर टाइप में बताया, मैसेज थीम सेंट्रल आइडिया, हालांकि इनका क्वेश्चन अलग अलग बनता है लेकिन मैंने एक ही आंसर बनाया, बस आपको कुछ नहीं करना। द थीम ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज, और यहाँ से पूरा जितनी वर्ड लिमिट हो बनाया इस हिसाब से है कि आप यहाँ रोकोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, यहाँ रोकोगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि जितनी वर्ड लिमिट है उसका उतना खींच सकते हो, बहुत मेहनत करके बनाया है। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में अगली पोएम के साथ। प्लीज़ अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।